हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है झुमका सिटी गर्ल नैंसी। तो सुबह हो चुकी है, बज रहे हैं करीब 8 और मैं उम्मीदी सो के उठ चुके हैं। तो आज फर्स्ट अगस्त मतलब आज ही हमारे पापा का फ्राइडे, पर संडे को पढ़ रहा है और संडे को यहाँ पर रहता है। सैटरडे संडे को लॉकडाउन, और पापा का भी कहना है कि वो बर्थडे नहीं बनाना चाहते। मतलब हर मम्मी पापा यही कहते हैं कि अब तो हम बेटा बूढ़े हो गए, हम लोग क्या बर्थडे बनाएंगे। पर हमने सोचा है, मैंने और दीदी ने सोचा है कि हम उनका बर्थडे बनाएंगे, केक लेके आएंगे, चाहे चुपचाप से लेके आएँ पर लेके आएंगे। तो बस आज का ब्लॉग है पापा के बर्थडे पर, जो मैं बहुत समय बाद बना रही हूँ। मैं सोच रही थी कि मुझे बनाना चाहिए, होप आपको अच्छा लगे। अभी का बस यही है कि कॉफ़ी बन गई है, कॉफ़ी पी रही हूँ, उसके बाद दियो मैं थोड़ा सा घर की सफाई करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम है। जैसा भी होगा तो मैं आगे ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर। तो दी और मैं हो गए हैं तैयार और बस हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं। पापा सो चुके हैं, उनका केक लेके आते हैं फटाक से और केक कटिंग करते हैं। एक्चुअली मैंने भी घर में क्यों लगाया, बाहर जाके लगा लूँगी। तो जाते हैं, दिखाते हैं, अगर बाहर का थोड़ा सा भी दिखा पाए हम जल्दी जल्दी दिखाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन है, ज़्यादा देर बाहर भी नहीं रह सकते। तो जाते हैं, पापा का केक लेके आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। बाय। खाना बिल्कुल बना के हम लोग ने तैयार कर लिया है, बज रहे हैं 7 और बाल ऐसे ही हो रहे हैं क्योंकि सुबह से काम थोड़ा सा करने में लगे हुए थे। और मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ मैंने और दीदी ने मिलकर क्या क्या बनाया खाने को, और फिर उसके बाद हम जाएंगे पापा को बुला के लाएंगे और केक कटिंग करेंगे। तो तैयार हो, आप लोग तैयार हो मेरे साथ पापा का केक काटेंगे? तो चलिए चलते हैं। तीन ही लोग हैं घर में, तो आज बनाया है मटर पनीर, आलू की सब्जी और आटा गूंद के रखा है। जब केक वगैरह कट जाएगा पापा खाना खाएंगे तो हम गरम गरम पूरी बनाएंगे। तो अगर आप प्लीज़ नए हो तो जल्दी से इस ब्लॉग को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं आगे भी अच्छे से ब्लॉग्स बनाती रहूं। तो चलिए चलते। तो ये रहा पापा का यम्मी सा केक जिसे वो अभी कट करेंगे। बहुत प्यारा सा है, छोटा सा है, और छोटा इसलिए क्योंकि बड़ा होता तो वो शायद गुस्सा करते, पर छोटा है, क्यूट है, तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो जल्दी से जाते हैं, बस इस पर कैंडल लगाते हैं और पापा को मैं बुलाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करते हैं। Bless you. Me.
May the good God bless you. Do you like the law? May the good God bless you. Happy birthday to you. Go ahead. तो जी अब हम लोग करने जा रहे हैं ब्लॉग का एंड। वो पापा ने केक काट लिया और पापा कितने खुश थे वो आप सबने देख ही लिया है। और अच्छा लगता है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके। और एक हमारे पापा ही हैं जो हमारे अपने हैं, और मतलब फैमिली होती है पर जो मम्मी पापा होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही स्पेशल होते हैं, तो उनके लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसे ही अपने मम्मी पापा को सरप्राइज़ दे सकते हो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको क्या करना है, लाइक कीजिए। तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और केक कैसा है खिला दो। तो केक बहुत यम्मी है, फैमिली को भी जल्दी से खिला दो। तो ये आपके लिए, लाइक कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और जब भी बाहर जाएं तो क्या लगाना है, मास्क लगाना मत भूलिएगा। तो बाय, टेक केयर।